अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद करता हूँ अपने YouTube चैनल बिलाल अहमद टीवी पर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग A4 पेज के ऊपर फोटोकॉपी मशीन के जरिए किस तरीके से 8 कॉपियाँ शनाख्ती कार्ड की निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपनी मशीन को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक शनाख्ती कार्ड मौजूद है। शनाख्ती कार्ड का वो वाला हिस्सा जो आप प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि आप फोटो कापी करना चाहते हैं, वो आपने गिलास के ऊपर यानी कि शीशे के ऊपर रख ले दें कुछ इस तरीके से, ठीक है। जो हिस्सा आप नीचे की जानब रखेंगे वही आपके सामने फ़ोटो कापी होकर आएगा, ठीक है। जैसे कि फ्रंट वाला हिस्सा मैं इस वक्त जो है नीचे की जानब रख देता हूँ यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, और उसके बाद जो हम लोग क्या करते हैं अपनी मशीन को कर देते हैं बंद। यहाँ पर हम लोग सेटिंग समझ लेते हैं। वैसे तो हर मशीन की सेटिंग अलग होती है, लेकिन बेसिक तौर पर जो एक ही सेटिंग होती है तमाम मशीनों की, कुछ ऐसी सेटिंग है जो हर मशीन की मिलती जुलती है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको ऑटो पेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हम लोगों ने ऑटो पेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर उसके बाद हम लोगों ने A4 को ले लेना है, क्योंकि 8 कॉपियाँ A4 पेज के ऊपर ही निकालनी हमने। और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपको 8C NIC कॉपी नज़र आ रही है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग समथिंग जो अपनी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहें तो घटा भी सकते हैं। जैसे -1 के ऊपर जाएंगे तो आपकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, +1 के ऊपर जाएंगे तो आपकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से हम लोग +1 के ऊपर क्लिक करते हैं। जूम बाकी आप लोगों ने 100% ही रहने देना है, जूम को आप लोगों ने नहीं छेड़ना। ये हमारी जब हम लोग कोई भी चीज़ का जूम गिराकर कोई सी बड़े पेज को हम लोग छोटे पेज के ऊपर लेकर आते हैं उसकी फ़ोटो कापी को, तो उस वक्त जो हमारा जूम काम आता है। तो चलिए फाइनली तौर पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे कि स्टार्ट का बटन आपको नज़र आ रहा है, आप लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद एक प्रोसेस चलता है, और उसके बाद जो हमारी मशीन 8 कॉपियाँ प्रिंट करके हमारे सामने ले आती है। जैसे कि मैं आपको इस वक्त दिखा देता हूँ, ये हमारे सामने जो है वो प्रिंट होकर आ चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 8 कॉपियों का जो एक प्रिंट है वो निकल चुका है, लेकिन इसके बैक पर अभी तक प्रिंट नहीं आया। तो इसके बैक पर निकालने के लिए हम लोगों को कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि हम लोगों को मैन्युअली ट्रेड जो है मैनुअल ट्रेड जो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आप लोगों ने इस तरीके से इसको यहाँ पर फिट कर देना है, ठीक है। कोशिश करनी कि आप लोगों ने बिल्कुल इसको फिट करके रखना मैनुअल ट्रे का, ठीक है। दोनों तरफ से सेटिंग करके रखनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर अब हम लोगों ने सेटिंग तब्दील करनी है। सबसे पहले तो ये कि आप लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड का जो हिस्सा जो अभी तक प्रिंट नहीं हुआ, आप लोगों ने ये बैक वाला हिस्सा जो है उसको यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर रखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से हम लोग मशीन बंद कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर अब सेटिंग चेंज करनी है। जैसे कि A4 यहाँ पर लिखा हुआ था, अब A4 नहीं लेना, हम लोगों ने मैनुअल ट्रे लेनी है। तो यहाँ पर मोर के ऊपर हम लोग MP ट्रे के ऊपर यानी कि मैनुअल ट्रे के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ से मैनुअल ट्रे को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको ओके कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर ओके दबाना है, तो हमारा जो मैनुअल ट्रे थी वहाँ से पेज जो है इस मशीन के अंदर चला जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी मैनुअल ट्रे जो है वो इस वक्त प्रिंट हो जाएगी। ये हमारा प्रिंट जा रहा है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त जो हमारी 8 कॉपियाँ होकर आ चुकी हैं, शनाख्ती कार्ड की 8 कॉपियाँ बिल्कुल हमारी रेडी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि शनाख्ती कार्ड की 8 कॉपियाँ फोटो स्टेट मशीन के ज़रिए बआसानी तौर पर कर सकते हैं। तो ये था आज का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।